नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आईटी रिक्रूटर एंड नॉन आईटी रिक्रूटर। ओके, सो आप में इस आपने नॉन आईटी रिक्रूटर के बारे में भी सुना होगा और आईटी रिक्रूटर के बारे में भी सुना होगा, और आपके मन में एक क्वेरी होगी, एक या अवेयरनेस होगी कि दोनों आईटी रिक्रूटर भी एक रिक्रूटर होता है, आईटी रिक्रूटर भी एक रिक्रूटर होता है और नॉन आईटी रिक्रूटर भी एक रिक्रूटर होता है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंट। ओके, अगर आप एक आईटी रिक्रूटर है या कोई मार्केट में या किसी कंपनी में आईटी रिक्रूटर की रिक्वायरमेंट है, तो वो कंपनी नॉन आईटी रिक्रूटर को हायर नहीं करती, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में नॉन आईटी रिक्रूटर की रिक्वायरमेंट है तो वो कंपनी आईटी रिक्रूटर को हायर नहीं करती। तो दोस्तों, हमें इन दोनों रिक्रूटर के बीच में एक बेसिक अंतर समझना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विनोद सिंह ठाकुर। दोस्तों, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको मेरे जॉब से रिलेटेड नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी डिज़ायर जॉब को पा सकें। सो दोस्तों, अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आईटी रिक्रूटर एंड नॉन आईटी रिक्रूटर। ओके, सो जो मेजर जो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आईटी रिक्रूटर और नॉन आईटी रिक्रूटर, ये सेम ही होती है। ओके, क्योंकि ये कोई भी रिक्रूटर है, चाहे वो आईटी है या नॉन आईटी है, वो सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन को समझेगा, फिर एक बुलियन सर्च स्ट्रिंग बनाएगा और जॉब पोर्टल्स के माध्यम से कैंडिडेट के रेज्यूमे सोर्स करेगा, स्क्रीन करेगा, फिर आरटीआर भेजेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन भेजेगा, कैंडिडेट को आरटीआर मतलब कैंडिडेट का रेज्यूमे को फॉर्मेट करेगा क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार, फिर उसको सबमिट करेगा, इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करेगा और ऑनबोर्डिंग और डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करेगा। ये तो दोनों रिक्रूटर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी समान होती है, सिमिलर होती है, बट बेसिक जो अगर हम बेसिक की बात करें, क्या इनमें अंतर क्या होता है? इसमें बहुत बड़ा अंतर है, दोनों की स्किल्स में काफ़ी अंतर होता है। अब अगर हम आईटी रिक्रूटर की बात करें तो आईटी रिक्रूटर्स आर दोज प्रोफेशनल, दे आर द स्पेशलाइज वर्किंग इन वेरियस आईटी पोजीशंस। ओके, सो आईटी रिक्रूटर जो होता है ये आईटी पोजीशंस पे काम करने के लिए स्पेशलाइज होता है। अब ये आईटी पोजीशंस क्या हो सकती है? जावा डेवलपर हुआ, .NET डेवलपर हुआ, बैकएंड डेवलपर हुआ, फ्रंट एंड डेवलपर हुआ, फुल स्टैक डेवलपर हुआ, डेवॉप्स इंजीनियर हुआ, ATL डेवलपर हुआ, इन्फॉर्मेटिका डेवलपर हुआ, SQL डेवलपर हुआ, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, ओरेकल डेवलपर हो गया, डेटाबेस डेवलपर हो गया, या प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, प्रोग्राम मैनेजर हो गया, या डेटा आर्किटेक्ट हो गया, या हेल्प डेस्क टेक्नीशियन हो गया, या बहुत सारी पोजीशन है ये IT। ठीक है, तो इस तरह की जो पोजीशंस होती है इन पे एक आईटी रिक्रूटर काम करता है। अब ये पोजीशन सुनने में तो आसान लग रही है कि भाई डेवऑप्स इंजीनियर है, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, PHP डेवलपर, C++ डेवलपर, बट इनमें क्या होता है कि इसमें भी कई स्किल्स होती है। मान लीजिए आपको आप कोई जावा डेवलपर पे काम कर रहे हैं या .NET पे, तो अगर आप .NET डेवलपर पे भी काम कर रहे हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। VB.NET क्या है, C# क्या है, SQL क्या है, MySQL क्या है, NoSQL क्या है, और Node.js क्या है, HTML क्या है, CSS क्या है। ठीक है, अभी तो ये शॉर्ट में मैंने बताया, कम में बताया, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसके लिए एक आईटी रिक्रूटर स्किल्ड होता है। ओके, सो आईटी रिक्रूटर जो पोर्टल्स है, आईटी रिक्रूटर लिंक्डइन मतलब वर्क कैंडिडेट के सोर्स करने के लिए लिंक्डइन का उपयोग करता है। ओके, आईटी रिक्रूटर आर दोज प्रोफेशनल हु इज स्पेशलाइज सोर्सिंग कैंडिडेट रेज्यूमे फ्रॉम लिंक्डइन। ओके, सो लिंक्डइन पे भी काफ़ी स्किल्ड होते हैं। एक आईटी रिक्रूटर स्किल्ड पर्सन होता है जो कि लिंक्डइन से बड़ी आसानी से अपनी स्किल्स का उपयोग करते हुए कैंडिडेट के रेज्यूमे को सोर्स करता है। अब जो एक आईटी रिक्रूटर है वो डाइस, अगर हम US स्टाफिंग की बात करें या US मार्केट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें, तो एक आईटी जो रिक्रूटर होता है वो आईटी रेज्यूमे को सोर्स करने के लिए या आईटी रेज्यूमे को पाने के लिए या निकालने के लिए डाइस, मॉन्स्टर, इंडीड और लिंक्डइन लैडर
लैडर, ये भी एक जॉब पोर्टल है। आईटी रिक्रूटर जो होता है वो पहली चीज़ तो वो आईटी पोजीशन पे काम करता है, वो स्किल्ड पर्सन होता है, वो आईटी जॉब पोर्टल्स का काफ़ी यूज़ करता है और वो लिंक्डइन का उपयोग भी करता है। ओके, अब हम बात करते हैं दोस्तों नॉन आईटी रिक्रूटर क्या होता है। नॉन आईटी रिक्रूटर्स आर ऑल्सो रिक्रूटर, दे आर ऑल्सो स्पेशलाइज रिक्रूटर। ओके, बट दे आर स्पेशलाइजिंग इन वर्किंग इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन आईटी पोजिशंस। ओके, आईटी रिक्रूटर आईटी पोजिशंस पे काम करने के लिए स्पेशलाइज होता है और नॉन आईटी जो रिक्रूटर होता है ये नॉन आईटी पोजिशंस पे काम करने के लिए स्पेशलाइज होता है। अब ये नॉन आईटी पोजिशंस क्या होती है, एक तो एचआर मैनेजर हो जाएगा, एचआर एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, एचआर रिक्रूटर हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो जाएगा, अकाउंटेंट हो जाएगा, वेयर हाउस वर्कर हो जाएगा, क्लर्क हो जाएगा, या रिसेप्शनिस्ट हो जाएगा, या कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव हो जाएगा। मतलब ऐसी पोजीशन जो आईटी नहीं है वे नॉन आईटी पोजीशन होगा। ठीक है, सो अगर हम एक नॉन आईटी रिक्रूटर की बात करें तो एक नॉन आईटी रिक्रूटर करियर बिल्डर और इंडीड पे काफ़ी काम करता है, या कोई जॉब पोर्टल्स या एटीएस भी हो सकता है जैसे कि जॉब डिवा। सो एक नॉन आईटी रिक्रूटर की काफ़ी कम पॉसिबिलिटी होती है कि वो लिंक्डइन से रेज्यूमे सोर्स करे। ओके, वो करियर बिल्डर, इंडीड या अन्य कोई नॉन आईटी पोर्टल जो होता है उसको प्रेफर करता है। अगर हम इंडिया की मार्केट, इंडियन मार्केट की बात करें, इंडिया में अगर हम एक कोई नॉन आईटी रिक्रूटर है तो वो नौकरी को ज़्यादा प्रेफर करेगा और इंडीड को या अन्य जॉब पोर्टल्स को। अगर इंडियन आईटी रिक्रूटर की बात करें तो वो मॉन्स्टर को प्रेफर करेगा। हालांकि नौकरी से भी आईटी रेज्यूमे हम सोर्स कर सकते हैं, बाकी मॉन्स्टर पे ज़्यादा रेज्यूमे का डेटाबेस होता है और आईटी रिक्रूटर मॉन्स्टर को प्रेफर करते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों जो डिफरेंस मैंने अभी आपको बताया बिटवीन आईटी रिक्रूटर एंड नॉन आईटी रिक्रूटर, ये आपको समझ में आया होगा और आपने ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।